अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर आपकी जो इंग्लिश बीए वालों की है उसके जो फर्स्ट थ्री स्टैंजाज हैं, आपकी जो मतलब कि एसटी कॉलेज की जो आपकी पहली पोएम है द रेम ऑफ एंशंट्स मार्नियर का, उसके जो थ्री स्टैंजेज वो हो चुके हैं। इंशाल्लाह अब स्टैंजा नंबर फोर अब आपके सामने हम कर रहे हैं इसकी, तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, तो इंशाल्लाह स्टैंजा और साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स स्टैंजा आप देख लें, स्टैंजा आपके सामने लिखा हुआ है कि ये भी मतलब वो शादी के मेहमान को रोक कर जब कहता है, शायर कहता है कि येट ही कैन नॉट चूज, कि ऐ शादी के मेहमान मैं नहीं सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। येट कैन नॉट चूज बट हेयर, ना ही मैं कुछ सुन सकता था और ना ही आप मतलब शादी के मेहमान ने सुन सकता था। एंड द स्पीक्स ऑन दैट द एंशिएंट मैन्स ब्राइट आइड द मार्नियर्स, तो वो मतलब वो शादी के मेहमान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, भाई मुझे जाने दो, मैंने शादी पे जाना है। लेकिन वो जो बूढ़ा मलाह होता है उसके अंदर एक ख़ास सुपर नेचुरल पावर होती है जिससे वो अपनी आँखों की कुवत से ना, यानी ब्राइट आइड ऑफ इज मार्नियर, तो अपनी आंखों की कुवत से शादी के मेहमान को रोक लेता है। तो उसी के मतलब ये वाली जो है ना, यहाँ से इसका अब आगे स्टार्ट होगा। आप इसकी देख लिया आपने स्टैंजा, आप इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लें कि इन दीज लाइंस, इन लाइनों के अंदर द पोएट्स टेल अस दैट एंशिएंट्स मार्नियर होल्ड द वेडिंग गेस्ट, के जो बूढ़ा मलाह है वो शादी के मेहमान को ज़बरदस्ती रोक लेता है विद द मैजिक ऑफ हिज आइज, अपनी आंखों के जादू से। मैजिक ऑफ हिज आइज, अपनी आंखों के जादू से। ही वांट टू टेल, वो उसे बताना चाहता है, हिम द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग, अपनी मुश्किलात की कहानी। बट द वेडिंग गेस्ट, लेकिन जो शादी के मेहमान होता है इज नॉट विलिंग, वो तैयार नहीं होता टू लिसन टू हिज स्टोरी, कि उसकी कहानी को सुने। ही हैज टू गो, क्योंकि उसे जाना होता है अ वेडिंग पार्टी, एक शादी की तकरीब में। ही प्रोटेस्ट, वो यानी काफ़ी सारी जिद करता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। बट इज हेल्ड, लेकिन उसे रोक लिया जाता है बाई द मैजिक, जादू से, ऑफ द मार्नियर आइज, मलाह की आंखों से। सो ही लिसन, वो सुनता है द स्टोरी ऑफ द एंशिएंट मार्नियर, इस बूढ़े मलाह की। ही कैन नॉट बट, वो नहीं सुनना चाहता इस उसे। दस द मार्नियर हैड हिज विल एंड स्टार्ट नैरेटिंग हिज स्टोरी ऑफ द सफरिंग, क्योंकि ये मार्नियर की जिद होती है, उसकी ख्वाहिश होती है वो बताए, तो वो अपनी कहानी में वो सुनाना शुरू कर देता है। ये आपका हो गया अब जी स्टैंजा नंबर आपका फोर। इंशाल्लाह अब हम आपको आपका स्टैंजा नंबर जो फाइव है, इंशाल्लाह वो आप अटैम्प्ट करोगे। स्टैंजा नंबर इसी का जो स्टैंजा नंबर फाइव है आपके सामने आ जाता है जी। अभी ये नीचे आपके पास स्टैंजा लिखा हुआ है कि एंड ये देखें जी, एंड आई हैड डन अ हिलेश थिंग्स, ये शादी के मेहमान को बताता है मान्यार कि मैंने एक ऐसा काम किया, आई हैव डन ऐसा काम किया, हिलेश थिंग यानी जहन्मियों वाला काम। एंड इट वुड वर्क एम होस, और ये जो मेरा काम था इसने यानी इस काम की वजह से मेरे अंदर एक खौफ फैल गया। एम होस का मतलब है खौफ फैल जाना। फॉर ऑल Arrived, I had killed the birds, क्योंकि मैंने एक परिंदे को मार डाला, क्योंकि मैंने एक परिंदे को मार डाला। That make a breeze to blow, जिसकी वजह से हवा चलना शुरू हो गई और मेरा जहाज दूसरी तरफ चला गया। तो स्टूडेंट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका वो आपने सेम लिखना है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। ये स्टूडेंट आपके सामने एक्सप्लेनेशन है जी इसी की, ये ज़रा आप देख लें। इन दीज लाइन, इन लाइनों के अंदर द पोएट टेल हाउ, शायर बताता है कि किस तरह एंशिएंट्स मार्नियर किल्ड द होली बर्ड, कि किस तरह उसने मुकद्दस परिंदा जो था एल्बेट्रॉस उसको मारा। एंड हाउ ई अंडरवेंट, और वो किस तरह चला गया अ सर्व, एक सख्त पनिशमेंट सजा में। द मार्नियर शेड द टीयर ऑफ ग्रीफ ओवर हिज हिलेश एक्ट, द मार्नियर्स मला ने शेड द टीयर्स, उसने आंसू बहाए ग्रीफ गम के ओवर हिज हिलेश एक्ट,
उसके जहन्मी काम पर किलिंग द हॉली बर्ड, क्योंकि उसने एक मुकदस परिंदे को मारा था। दिस एक्शन ऑफ द मारनियर, जो मला का ये काम था, पुट ऑल द अदर मारनियर, उसने डाल दिया दूसरे मलाहों को भी इन ग्रेट ट्रबल, एक बहुत बड़ी मुसीबत में। ऑल ऑफ देम, वो सारे जो थे रिपेंटेड, पछताए, द एंशिएंट मारनियर किलिंग, के जो बूढ़े मला ने मारा था द बर्ड परिंदे को। देयर ऑल्सो स्टार्ट रनिंग फास्ट ब्रीज, उसी वक्त तेज हवा चलना शुरू हो गई। द मास्ट मोस्ट ऑफ शिप स्टार्टेड ड्रॉपिंग, जो जहाज के बाद बांध थे वो सारे गिरने शुरू हो गए। द स्ट्रेंज इवेंट स्टार्ट हैपनिंग टू देम, और उनके साथ जो है ना वो एक स्ट्रेंज यानी अजीब वाकयात होना शुरू हो गया। अगर हमारे ये जो मतलब आखिरी स्टैंड आपका फेयरवेल बट आई टेल द थोज वेडिंग गेस्ट, अब ये वाली शुरू वाली है, मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ये शुरू वाली जो लाइन है ना ये आ जाती है, नीचे आपका वही है ही प्रेस बेस्ट हु लव्स बेस्ट ऑल द थिंग्स बोथ एंड ग्रेट एंड स्मॉल। ये सिर्फ आपकी याद दहाने के लिए मैंने लिखा ये स्टैंजा, कि आपके जेहन में आ जाए कि ये स्टैंजा आपका जो स्टैंजा नंबर 6 है ना ये आ जाता है, और इसकी जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वही पहले स्टैंजे वाली है जो आप पहले पढ़ चुके हो, वही वाली आपने करनी है। सिर्फ ये जो लाइन है ना ये आपने याद रखनी है, फेयरवेल बट आई दिस आई टेल टू द वेडिंग गेस्ट, यानी ये वाली लाइनों से आपको सिर्फ आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपका यही वाला इसका स्टैंजा है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर जो बाकी इसी पोएम के सारे स्टैंजे इंशाल्लाह 3 वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपका अगला जो है ना वो शायर हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।